नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजनीश और आप देख रहे हैं मैराथन रजनीश फोटोग्राफी। दोस्तों सुबह के करीब 5 बज चुके हैं और दोस्तों मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों लॉकडाउन आया तो ऐसे ही सब सिस्टम चल रहा है, सभी क्या होगा। तो दोस्तों ये वीडियो खास मैं फोटोग्राफर भाइयों के लिए लेकर आया हूँ। आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूँ और दोस्तों ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा कि ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया। तो दोस्तों पोर्टफोलियो के लिए, पोर्टफोलियो जो लोग करते हैं फोटोग्राफर और जो नहीं करते हैं वो उनके लिए वीडियो है कि ये पोर्टफोलियो होता है क्या और किस जगह में ये पोर्टफोलियो कर सकते हैं और कौन सा कैमरा हमारे पास हो, कौन सा लेंस हो और हम पोर्टफोलियो कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पोर्टफोलियो दो तरह के होते हैं, इनडोर और आउटडोर। दोस्तों आप किस तरह से पोर्टफोलियो करना चाहते हैं? तो दोस्तों हम बात करेंगे इंडोर। इंडोर में होता है कि आप स्टूडियो लगा लें और स्टूडियो में आप पोर्टफोलियो करें। ये जरूरी नहीं है कि आप स्टूडियो में ही पोर्टफोलियो करें। पोर्टफोलियो एक घर के अंदर भी हो सकता है, कमरे के अंदर भी हो सकता है पोर्टफोलियो। तो दोस्तों वो आपका करने का तरीका, जिस हिसाब से आप एक फोटो सीधा क्लिक करते हैं, एक पोर्टफोलियो की फोटो क्लिक करते हैं जो कि मैंने यहाँ पर दे दिया, ये पोर्टफोलियो है। और दोस्तों पोर्टफोलियो आप फैशन के तौर पे, जैसे फैशन फोटो होती है वो भी पोर्टफोलियो ही होते हैं एक तरह की। और दोस्तों इसकी आप पूरी डिटेल देनी है, जो भी आप शूट कर रहे हैं उसकी पूरी। और दोस्तों जरूरी नहीं है बैकग्राउंड ब्लर ही हो पोर्टफोलियो में, ये भी जरूरी नहीं है। दोस्तों इंडोर में ये पोर्टफोलियो है और आउटडोर में आप कोई भी लोकेशन ले सकते हैं। जैसे कि पोर्टफोलियो जरूरी नहीं है, पोर्टफोलियो ये भी होता है कि आप इंडोर में स्टूडियो लगाएं और आउटडोर में भी स्टूडियो लगाकर आप पोर्टफोलियो कर सकते हैं आउटडोर में, या फिर आप अदर लोकेशन पर जाकर पोर्टफोलियो कर सकते हैं। ये भी फोटो मैंने लगा दी है। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने कहाँ पर आउटडोर में करना है या इंडोर में करना है। और दोस्तों इसका एचआर भी अलग अलग होता है, आप अच्छी इनकम भी कर पाएंगे पोर्टफोलियो करेंगे। दोस्तों आप सीधी सीधी बात आता है कि आपके पास कौन सा कैमरा हो, कौन सा लेंस हो जिससे आप पोर्टफोलियो कर पाए। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ कैमरे की जरूरत नहीं है, आप जो मैनुअली लेंस यूज करते हैं उससे भी आप पोर्टफोलियो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी नहीं है आपके पास 50mm हो, 85mm हो आपके पास लेंस, तभी आप पोर्टफोलियो कर पाए, जरूरी नहीं है। दोस्तों यह आप मैनुअली जो लेंस कैमरे पर लगा होता है उसमें आप पोर्टफोलियो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका करने का तरीका अलग होना चाहिए और आप पोर्टफोलियो कर पाएंगे। और दोस्तों कई लोग होते हैं जो कि मेरे पास 50mm नहीं है, मेरे पास 85mm नहीं, मेरे पास 70-200 नहीं है और दोस्तों मैं पोर्टफोलियो कैसे करूँ। तो दोस्तों यह जरूरी नहीं है, आपके करने का तरीका अलग हो और यूनिक हो आप पोर्टफोलियो कर सकेंगे। दोस्तों आपके पास लाइटिंग होनी चाहिए, आपके पास लाइटिंग की समझ होनी चाहिए कि यह लाइट किस तरह आएगी और आप पोर्टफोलियो कर पाएंगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट है कि आप, अगर आपको ये पता नहीं है पोर्टफोलियो होता क्या है और आप किस तरह क्या सेटिंग होनी चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें और दोस्तों मैं उसकी एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि आप पोर्टफोलियो कैसे करें और कौन कौन सी आप लाइट लें। आपके पास बेसिक से भी लाइट है तो भी आप पोर्टफोलियो भी कर सकते हैं। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेटअप हो, आप बैकग्राउंड अच्छी हो और आप पोर्टफोलियो करें, ये ज़रूरी नहीं है। दोस्तों अगर आपको भी सुनने हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। और दोस्तों ये जो कोविड महामारी चल रही है दोस्तों, इसके चलते आप अपने सुरक्षा रखिए, मास्क लगा के रखिए और सैनिटाइजर यूज़ करें। दोस्तों आई होप आपकी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों मिलते हैं कोई और वीडियो में।